नमस्कार, स्वागत है आपका लोकपत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। तो इस वक्त हम दिल्ली के इंडिया गेट में हैं, जहां आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता यहां पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है कैंडल्स हाथ में लेकर साइलेंट मार्च निकाल रहे हैं कथुआ गैंगरेप के खिलाफ। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि कथुआ से लेकर उन्नाव तक किसको अपना दर्द बयां करे। शर्मसार है आज भारत। भारत की लड़कियां जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, अपना दर्द किसको बयां करे। कब तक हम ऐसे शर्मसार रहेंगे? हम तब तक ऐसे शर्मसार रहेंगे जब तक कि हमारे शासन करने वाले लोगों की भी सोच ना बदले, हमारे देश के समाज के लोगों की सोच ना बदले। क्योंकि ये झगड़ा सोच का है, ये आप सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, लोगों की सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि आपके जब लोग ही जो नेता हैं वो ही जब महिलाओं के बारे में कई तरह की टिप्पणियां कर जाते हैं और उन पे हंसी बनाई जाती है, उन पे मजाक किया जाता है, तो हम आम आदमियों से या आम जनता से आप कैसे पक्षा करेंगे कि वो महिलाओं का सम्मान करें या उनके बराबरी की बात करें या उनके हक की बात करें। बिल्कुल। कब तक ऐसे कैंडल मार्च हम लोग निकालते रहेंगे? कुछ कोई घटना होती है उसके बाद ऐसे ही हम सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन तब भी इंसाफ नहीं मिलता। देखिए, हमें बहुत से और कैंडल मार्च निकालने होंगे। मुझे कहने में कोई इसमें शर्म नहीं हो रही है, बल्कि दुख हो रहा है। क्योंकि जब तक सरकार के मंत्री, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अगर वो खराब टिप्पणियां महिलाओं पे करें, उनकी जो महिला मंत्री हैं अगर वो दारू के अड्डों का अगर वो इनॉग्रेशन करती हैं, अगर उनके मंत्री आला अफसर कानूनों का पालन करने के बजाय महिलाओं को उपभोग का वस्तु समझते हैं। अभी मैं दो दिन पहले ही एक क्लिप देख रही थी जो बड़ा वायरल था फेसबुक पे, कि उन यूपी के एक मिनिस्टर कैसे डांस कर रहे हैं एक महिला नृत्यांगना के साथ। तो देखिए, तब तक हमें ये करना पड़ेगा और हम करेंगे, और हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकार के लोग हैं जो हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकामयाब रहे हैं, चाहे वो यूपी की योगी सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की मोदी सरकार हो। तो ये तब तक ये काम, मुझे लगता है मोमबत्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये सरकार की जो है नींद नहीं खुलेगी। शर्मसार है आज भारत ऐसी घटनाओं पर। बिल्कुल शर्मसार है। और हम खुल्लम खुल्ला बहनें, जितनी भी इंडिया गेट पे आज बहनें आई हैं, आज हम उस नारी की बात कर रहे हैं जो इसी अपने भारत देश में, जिसको आज़ाद हुए आज 67-68 साल हो गए, लेकिन आज बहनों की आज़ादी गुम हो गई है। आज योगी सरकार, मोदी सरकार से हम जवाब चाहते हैं कि मोदी जी, जब आप देश में आए थे आपने कहा था देश की हजारों लाखों महिलाओं का हम सुरक्षा देंगे, लेकिन आज क्या हुआ? योगी जी ने कहा था कि मैं यूपी के अंदर कोई क्राइम नहीं होने दूंगा, सरेआम बहनों की इज्जत लूटी जाती है, सरेआम बलात्कार होते हैं। एक बच्ची, एक बहन, एक बेटी जो तड़प तड़प कर ये कहती है कि ये एमएलए का भाई है, विधायक का भाई है, इसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उसकी एफआईआर तक नहीं होती। एफआईआर हो जाती है, लेकिन पुलिस कहती है कि हम उनको गिरफ्तार नहीं करते, माननीय एमएलए को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि सीबीआई पे केस पहुंच चुका है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप आपका सिलसिला तो चलता रहता है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई अपराध अगर मान लिए न्यायालय के अगर किसी जज ने किया है, तो भी उसके ऊपर वही कानून लागू होता है जो एक आम आदमी पर होता है, चाहे वो विधायक है चाहे वो एमएलए। अगर वो केस सीबीआई के पास चला भी गया जैसा कि आप कह रही हैं, तो ये किस कानून में लिखा है कि जो रेपिस्ट है उसके फादर को आप अरेस्ट करके इतनी बुरी तरह से मारेंगे कि वो उसकी डेथ हो जाए? ये अगर सीबीआई के पास था तो ये तो और हाई लेवल पे इंक्वायरी। हमारे देश की विडंबना है, जो आरोपी है वो खुले खुले आसमान में घूम रहे, आजाद घूम रहे, और हम लोग यहाँ ऐसे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ऐसी पोस्टर्स निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे यही उठता है कि कब हम खुली हवा में सांस ले पाएंगी, भारत की महिलाएं जो होंगी कब सांस ले पाएंगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, चार्ज पॉक्सो का लगाया, पॉक्सो के अंदर नॉन अवेलेबल होता है, तो नॉन अवेलेबल के बावजूद उनको अरेस्ट नहीं किया गया, ये किस कानून में लिखा है? और वो कह रहे हैं कि हमारे को सबूत मिलेंगे तब हम उसको अरेस्ट करेंगे। बदलना हमारे को है, बदलना हम ही बदलेंगे, बदलने की चाहत मत खत्म करना, क्योंकि बदलना हम लोगों को ही पड़ेगा, सरकार नहीं बदलेगी। कई बार बयान दिया जाता है कि लड़कियों को अपने कपड़ों का ध्यान देना चाहिए तभी उनके रेप होते हैं, या फिर जो जीन्स पहनती है महिलाएं उनके रेप होते हैं, लेकिन उस 8 साल की बच्ची का गुनहगार कौन है? उसने तो किसी को नहीं उकसाया रेप करने के लिए। अगर कम कपड़ों की वजह से ही रेप होते तो मुझे लगता है कि यूरोप में आपके जो ट्राइबल्स एरिया में उनमें तो फिर आंकड़ा बहुत ज्यादा होना चाहिए था। रेपिस्ट की मानसिकता की वजह से रेप होते हैं, कपड़ों की वजह से रेप नहीं होते। और सबसे बड़ी चीज यही है कि आप लोगों को सब कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन किसी की भावनाओं का कद्र करना आप नहीं सिखा सकते। ऐसे बोर्ड्स के साथ हम करते रहेंगे कैंडल मार्च, लेकिन
यही विडंबना इस देश की कि हमको इंसाफ कब मिलेगा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद है, कपिल सिब्बल के साथ दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब कैंडल मार्च कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल यही उठता है कि कब तक देश यूं ही शर्मसार होगा। मेरे सहयोगी वकार अहमद के साथ प्रतीक्षा कुकरेती, लोकमत न्यूज़.इन।